दिस हेडलाइन ब्रॉट टू यू बाय न्यू जैज कैश ऐप, अब और भी बेहतर। जैज कैश, दुनिया को बता दो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं K21 न्यूज और मैं हूं परवरशाह महमूद और मैं हूं मुताहिर जलीस्तान। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। गैस बहरान सिंध वालों का नया इम्तिहान, सूबे भर में सीएनजी स्टेशन को 9 दिन के लिए फरहमी बंद करने का हुक्म। महंगाई का वार, गरीब की जिंदगी दुश्वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत बढ़ा दी गई। 10 लीटर की कैन में 1,090 रुपए तक का इजाफा। आवाम पर नया बोझ, बिजली मजीद 1.68 रुपए फी यूनिट महंगी। इतलाक यकुम अक्टूबर को होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। ओगरा ने 10 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश कर दी। मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 25,000 के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने तायुन के लिए वेज कोर्ट को सिफारिशात दोबारा भेजने का हुक्म दे दिया। कराची में गुटखा मावा फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 40 से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार। छालियां, तंबाकू पाउडर और मशीनें बरामद। जहर शहर भर में सप्लाई किया जाता था। मुकदमा दर्ज। पीएनएफ का कराची में निजी कुरियर कंपनी के दफ्तर पर छापा। अमेरिका के लिए बुक कराए गए पार्सल से 20 किलोग्राम आज बरामद। एयरपोर्ट पर भी कार्रवाइयां। 5 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नस्ला टावर के रिहायशियों को बिल्डिंग खाली कराने का नोटिस। जिला शर्की की इंतजामिया ने मकीनों को 27 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। मुकर्रर तारीख के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद की वार्निंग। बल्दिया के महकमा इंसदाद तजावजात का एक्शन। नॉर्थ नाजमाबाद और सोल्जर बाजार में इंक्रोचमेंट का खात्मा। फुटपाथ पर कायम पत्थरों का सफाया। कई दुकानें मिसमार। केबिन और होटल्स का सामान जब्त। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की जिना ग्राउंड आमद। 17 अक्टूबर को होने वाले जलसे के इंतजामात का जायजा। 120 फुट लंबा और 50 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। मजीद तैयारियां भी जारी। जुल्फे बुखारी ने हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत लिया। लंदन हाई कोर्ट के फैसले पर रेहम खान 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने पर रजामंद। माफी भी मांग ली। बड़ा आदमी इंसाफ नहीं है, एनआरओ चाहता है। छोटा काश्तकार बाहर पैसे लेकर नहीं जाएगा, उसे लंदन में फ्लैट नहीं लेना। वजीर आजम इमरान खान का किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। हमारे बहुत सारे स्पेशली जो हमारे मीडिया के लोग हैं वो फेक न्यूज के ऊपर एक्चुअली थ्राइव कर रहे हैं, और स्पेशली जो यूट्यूब चैनल्स जो भी ज्यादातर बन गए हैं उनमें बहुत लोग, सब तो नहीं लेकिन बहुत लोग जो हैं उनका ख्याल ये है कि उनको ये इजाजत हासिल है कि वो कुछ भी कर दें और उनके ऊपर कोई पकड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज पर पकड़ जरूरी। इजहार राय की आजादी से मुतालिक आलमी सतह पर कवानी नागुजे। रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। वजीर इतलास फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कोरोना से आलमी मईशत लर्जी। तरक्की याफ्ता ममालिक में महंगाई का तूफान आया। पाकिस्तान में असरात कम है। गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल की कराची में तकरीब से खिताब। कोरोना से मजीद 27 जिंदगियों का खात्मा। 1,086 नए केसेज रिपोर्ट। एनसीओसी का पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान। हफ्ते में एक रोज कारोबार बंदिश की पाबंदी खत्म। मजारात और सिनेमा खोल दिए गए।
हैदराबाद में मुख्तारगढ़ के घर से लाश मिलने के बाद हंगामा, तशद्दुद और फायरिंग से माजिद खास सैली, दो भाई और एसएचओ जख्मी। पुलिस से मुजाकरात के बाद मुजाहरीन मुंतशिर। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अयाम अज़ा का आखिरी जुलूस, रिजविया सोसाइटी से इमाम बारगाह नजफ मार्टिन क्वार्टर तक मातमदारी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की का नेशनल पार्क, रजान मदीना और दिगर मुकामात का दौरा, महफिल के मुंतजमीन से मुलाकात। उधर 12 रबीउल अव्वल को मुल्क भर में आम तातील का भी ऐलान। अफगान शहर कंधार की मस्जिद फातमिया में धमाका, 32 अफराद जान बहक, 50 से ज्यादा जख्मी। तालिबान हुकूमत बनने के बाद तीसरी मस्जिद पर दहशतगर्द हमला। और मिशन वर्ल्ड कप वर्ल्ड T20 कौमी स्क्वाड बाबर आजम की क्यादत में दुबई पहुंच गया। वर्ल्ड कप के इफ्तिताह को शाही रंग में रंगने की तैयारियां, ट्रॉफी को घोड़े की पुश्त पर रखकर पिच तक लाने का फैसला।